सही है ना इतना? लाइट व्यवस्था ऐसी है ना, इधर वाली लाइट चमकती है। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भैया चैप्टर है सीबीएसई का। चलो किताब का आप निकाल लो। ठीक है भैया, तो एक मिनट का किताब दे दो। एक साइंटिस्ट थे बहुत पहले, फिलासफर थे इंडिया में, उनका नाम था महर्षि कनाड। महर्षि कनाड बिफोर क्राइस्ट भैया, ये 500 बिफोर क्राइस्ट पैदा हुए थे सबसे पहले। महर्षि कनाड थे सबसे पहले, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट भैया देना शुरू किया। एकदम आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, पूरा उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सरकारी किताब, बायोलॉजी नहीं है। ठीक है, महर्षि कनाड। ठीक है, इन्होंने कहा कि मैटर जैसे है, इन्होंने कहा जो मैटर है, मैटर, मैटर को क्या बोला भैया, पदार्थ बोला, पदार्थ। अगर हम मैटर को लगातार डिवाइड करते जाते हैं, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग, अगर हम भैया मैटर को लगातार डिवाइड करते जाते हैं तो एक समय बाद जो है, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर हम मैटर को लगातार भैया डिवाइड करते जाएं तो एक समय बाद, एक समय ऐसा आता है कि जब मैटर डिवाइड होना बंद हो जाता है। ठीक है, अगर मैटर को हम डिवाइड करना करना शुरू कर दे तो उसके इतने छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कि वो छोटे पार्टिकल फर्दर डिवाइड नहीं किए जा सकते। ठीक है, यही उन्होंने बोला, पार्टिकल दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गो स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल, तो हमको क्या मिलेगा, वी शैल गो स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल हमको लगातार मिलेंगे, लगातार छोटे से छोटे पार्टिकल भैया मिलेंगे, व्हिच फर्दर नॉट बी डिवाइडेड, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, बियॉन्ड व्हिच, इसके बाद इसमें स्मॉल स्मॉल फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा लगातार डिवाइड करते करते, फिर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, इसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलता है इसको इन्होंने बोला परमाणु, परमाणु बोला भैया इसको, परमाणु बोला। तो ये महर्षि कनाड क्या बोलते हैं, 500 BC था या CC नहीं था, ये बिफोर क्राइस्ट थे। तो मैटर जो है, पदार्थ जो है, अगर हम लगातार उसको डिवाइड करते जाएंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो एकदम छोटे पार्टिकल में आकर के फिर इसके बाद इसका डिवीजन नहीं होता, स्मॉलर पार्टिकल में आ जाता है, फिर इसका फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल, फिर इसका डिवीजन भैया नहीं हो पाता है। ठीक है, ये महर्षि कनाड वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। ठीक है, अभी मैं लिखता चलता हूँ, फिर आपको एकदम तैयार कराया चलता हूँ, इसमें जितना आप पढ़ते जाओ उतना आपको तैयार होता जाए बस। ठीक है, एकदम याद होता जाए, इसको हम दूसरी बार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आए थे पहली बार, आप आओ बैठो, आप लेते आओ, बहुत अच्छा किया, इधर ड्रिंक रख देना, काम आता है, मतलब पानी। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, दूसरा देखो, इसके बाद दूसरे इंडियन फिलासफर आए, सेकंड इंडियन फिलासफर आते हैं, इनका नाम है पकुधा कात्यायम, पकुधा कात्यायम, दूसरे इंडियन फिलासफर आते हैं, उनका क्या नाम है, पकुधा कात्यायम। ठीक है, उन्होंने क्या बोला भैया, उन्होंने इलाबोरेट दिस डॉक्ट्रिन, इस बात को और आगे तक बढ़ाया, इन्हीं के चेले थे दाढ़ी वाले बाबा के, तो इन्होंने आगे इस बात को बढ़ाया, उन्होंने बताया कि दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन ए कंबाइंड फॉर्म, ये जो पार्टिकल परमाणु है वो कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट एज कैसे एग्जिस्ट करते भैया, एग्जिस्ट एज कंबाइंड फॉर्म, ये पार्टिकल भैया जनरली ये कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये पार्टिकल कैसे एग्जिस्ट करते हैं बेटा, कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कौन से पार्टिकल भैया, परमाणु यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात की, ये पार्टिकल नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद गिव राइज टू वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, ये कई मैटर के कई फॉर्म बनाते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर के कई रूप बनाते भैया, ये मैटर के कई रूप को जन्म देते हैं। तो ये दोनों गुरु चेलों ने ये बात बोली थी। ठीक है, पहले इनके गुरु कौन थे, गुरु थे महर्षि कनाड, इन्होंने बताया कि अगर मैटर जो है, पदार्थ जो है, अगर हम इसको लगातार डिवाइड करते चले जाएं तो ये लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल ग्रुप में बचता है जिसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, इन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को परमाणु, बाबा जी ने, ठीक है, ये बाबा जी है कौन, महर्षि कनाड, और इसके बाद इनके चेले थे पकुधा कात्यायन, साउथ के थे नाम से लग रहा है, इन्होंने क्या बोला भैया कि दीज पार्टिकल नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म एंड गिव राइज टू वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, ये कंबाइंड फॉर्म, ये परमाणु जो है, जो एटम है, ये नॉर्मली कैसे एग्जिस्ट करता भैया, कंबाइंड फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और ये मैटर के भिन्न भिन्न रूपों को जन्म देता है, तीनों ने ये बताया, दो बातें सही है।
ठीक है, अभी हम जितने भी लोग थे इधर इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ये वाला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, और इसमें जो कुछ भी आपके सामने आएगा और इसको जहां हमें लगेगा अपना एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ग्रीक फिलोसफर्स, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर काफी इनका नाम हुआ करता था, फिलोसफर्स। ठीक है, ग्रीक फिलोसफर्स आते हैं, इनका नाम है डेमोक्राइटस, इनका नाम है भैया डेमोक्राइटस, क्या नाम है इनका, डेमोक्राइटस नाम है, एंड ल्यूसिपस, ल्यूसिपस, ये दो आते हैं ग्रीक फिलोसफर भैया, डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस। ये कहते हैं कि अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आता है जिसके बाद मैटर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। ये कहते हैं इफ बी डिवाइडिंग मैटर आफ्टर ए स्टेज, एक स्टेज ऐसी आएगी भैया जिसके बाद मैटर का फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस भी यही सेम बात करते हैं, वो क्या बोलते हैं, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो एक एक स्टेज के बाद मैटर का फर्दर डिवीजन भैया पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कौन बोलते हैं ऐसे, कौन बोलते हैं, डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, बोला करो सब लोग। हाँ, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर आज बढ़िया पन चल रही है सर की, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, आज बढ़िया पन चल रही है, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को डिवाइड करते जाते हैं, स्टेज विल कम आफ्टर व्हिच फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल, आफ्टर व्हिच फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल। ठीक भैया, जिसके बाद फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, डेमोक्राइटस ने इनको एटम बोला, डेमोक्राइटस ने क्या बोला, इनको एटम बोला, डेमोक्राइटस काल देम एटम, डेमोक्राइटस ने इनके लिए एक वर्ड यूज किया कार्डेम, मतलब टर्म एटम दिया गया डेमोक्राइटस द्वारा, कार्डेम एटम, इन्होंने इसके लिए एटम वर्ड यूज किया भैया, इन पार्टिकल्स के लिए एटम यूज वर्ड यूज किया सबसे पहले। ठीक है, बाकी तो कुल इसके बाद हम लोग और लोगों की बात करेंगे, पहले इतने लोगों को बात कर ले, ये फिलासफर्स के इतने नाम दिए थे, इनके काम दिए थे, एक बार फिर से देख लीजिए, महर्षि कनाद 500 BC के आसपास इंडिया में हुए थे, बड़े साधु थे इंडिया के। ठीक है, अत्याधुनिक साधुओं से अलग हट के जो साइंस में थोड़ा विश्वास करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले साइंस का कॉन्सेप्ट दिया था कि मैटर जो होता है यानी कि पदार्थ जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, उसको अगर डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जिसके बाद उसको फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, ये बोलने वाले महर्षि कनाद 500 BC में। ठीक है, इसके बाद जो है उनके शिष्य थे या नहीं भी शिष्य थे, दूसरे संत थे, उनका नाम था पकुधा कात्यायन, ये बोलते हैं कि दीज पार्टिकल, मतलब यही इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, इन्हीं की बात को, दीज पार्टिकल्स यानी कौन, एटम्स, ये जो परमाणु है, ये परमाणु जो है नॉर्मली एग्जिस्ट होते हैं कंबाइंड फॉर्म भैया, परमाणु कैसे एग्जिस्ट करते हैं भैया, नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में, और ये मैटर के भिन्न भिन्न रूपों को जन्म देते हैं, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, यू राइट टू वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, ये परमाणु जो होते हैं भैया ये नॉर्मली कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ये मैटर के भिन्न भिन्न रूपों को जन्म देते हैं, गिव राइज टू वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैटर को बनाते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रीक फिलोसफर जिनका नाम है डेमोक्राइटस और ल्यूसिपस, सेम बात कहते हैं, अगर फर्दर डिवाइड करते जाते हैं मैटर को एक ऐसी स्टेज आती है, एक ऐसी स्टेज आती है जिसके बाद मैटर का डिवीजन भैया पॉसिबल नहीं है, तो डेमोक्राइटस ने इनको भैया एटम बोला, जिनका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता, एटम है, ए मतलब होता है नॉन, टर्म मतलब होता है भैया डिविजिबल, एटम दो वर्ड से बना भैया, ए मतलब होता है नॉम, टर्म मतलब होता है डिविजिबल, मतलब नॉन डिविजिबल, नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, नॉन डिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं तो उनको एटम बोल दिया उन्होंने, तो ये बस इतना सा आप एक बार जला समरी में अपने नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग, सब राइट फॉर्म में नोट कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, कुल अभी आपसे पूछेंगे अभी इसको रफ करके तुरंत ही। इसके बाद एंटोनी या लेवाजियर आएंगे, केमिकल साइंस के फाउंडेशन बनाएंगे ये, और 2 लाख देंगे केमिकल कॉम्बिनेशन के, तो एक एक करके सभी के बारे में पूरा एकदम पूरे एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स दिए हैं सब पढ़ते चलिए।
हो गया, लिख लिया। सेकंड वाला लिखो जल्दी से, साथ में लिखते रहा करो। ये वाला वीडियो YouTube पर भी शेयर होगा, मुख्य रूप से YouTube पे शेयर करने के लिए ही तो हम लोग शूट करते हैं। अब इस प्लेटफॉर्म पर आता है तो इस यहाँ कभी हो जाएगा। हमें फिर प्रमोशन नहीं कराना, हमें प्रमोशन करवा नहीं है, हम इंटरेस्ट ही नहीं है। हमको अपना YouTube चैनल ले जाना होता तो 3 साल पहले मोनेटाइजेशन था, अब तक हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए होते। लेकिन इतना वर्क थोड़ी इस टाइम है अपने पास, मेडिकल फिजिशियन है, उतने टाइम में तो हम ढेर सारा मनी क्रिएट कर लेंगे आराम से, कर ही रहे हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा दो पॉइंट क्लियर भैया, इनके जो भी है अपने बुक में एकदम लाइन टू लाइन तैयार कर लीजिए, ऐसे बार बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। और कितना सिंपल बात है इन साधुओं ने कही, दोनों ऊपर वाले साधु ही तो है, ठीक है, महर्षि है, मतलब थोड़ा बड़े टाइप वाले साधु हैं। जैसे आप कहीं सड़क जाएंगे बोले तुम बड़े वाले हो, मतलब साधु हो, संत हो, महात्मा हो, पुजारी हो, जो भी हो, अपनी अपनी भावना जिसकी, चाहे ठीक है ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये था, अब इसके बाद हम लोग आने वाले हैं लेवाजियर कॉन्सेप्ट के बारे में। हाँ बेटे, डेमोक्राइटस उनका नाम है, दो ग्रीक फिलोसफर भैया, डेमोक्राइटस, बहुत डेमो देते थे, जहां भी गए डेमो दिखाना शुरू, तो डेमोक्राइटस थे। इन्होंने ही सबसे पहले वर्ल्ड एटम यूज किया था। इन्होंने बोला कि अगर हम इन मैटर को हम लोग लगातार डिवाइड करते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी, लिखते रहो तो सुनते रहो, एक ऐसी स्टेज आएगी जिसके बाद फर्दर डिविजन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है, वो अलग बात है, उस समय कोई नहीं जानता था, सब लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए। डेमोक्राइटस और ल्यूसीपस, ल्यूसीपस इन लोग के नाम भी ऐसे, जैसे हिप्पस, हिप्पस घोड़े कहा जाता है, वैसे ल्यूसीपस है। इनके नाम पर, इनके पास लूसी नाम का घोड़ा रहा होगा। फिर हाल लिख लो। अच्छा तो डेमोक्राइटस ने भैया इसको एटम बोला। अब इसके बाद एंटोनी एल लेवाजियर वाली बात करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं है, कोई जवान नहीं किया तो हमारा क्या जाता है, अभी थोड़े हार्ड वर्ड बोलेंगे, सोते रहे, जो सोते रहेंगे उनका भाग्य सो रहा है, वो आगे जो है वही करना चाहता है जो उनके फादर कर रहे हैं, या फिर अभी सरकारें इतनी बुरी हालत करने वाली है उसे बुरा करेंगे, ठीक है ना। जो एजुकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, एजुकेशन मस्ट है। और ये 9th, 10th, 11th, 12th अगर जो नहीं पढ़ेगा, अभी मेरी बात नोट कर लीजिए, आपकी दशा जो है आपके पेरेंट्स की दशा से भी बुरी होगी। चाहे आप यूट्यूबर बने, चाहे आप खेती करें, चाहे जो करें, भाई पढ़ना 9 से 12 तक बेसिक नॉलेज है भैया, बेसिक एजुकेशन नहीं लेंगे तो क्या होगा। अब ये पूछे कि हम आपसे कुछ पूछे तो आप रामायण चौपाई सुनाए तो ये आपका भाग्य खराब है, आपकी किस्मत खराब है, आप यहाँ हीरो नहीं बन रहे हैं, बहुत बड़े वाले बिलियन बन रहे हैं, जो कि समझाया नहीं, बुद्धि नहीं है कुल मिलाकर ये बोला जाता है नौ वाले बच्चों को। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो लोग पढ़ रहे हो सिंसियरली पढ़ो, जो नहीं आ रहे हैं जाए, अभी उनके समझ जब आएगा तो पढ़ेंगे, कभी कभी लाइफ में पढ़ने पड़ता है सेम चीज, अभी नहीं पढ़े फिर 11th में जाएंगे, फिर एटम और मोलिक्यूल्स का एकदम बेसिक काम। ये फार्मूला कैसे बना सर, 11th आते हैं ना ऐसे ऐसे नमूने आते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट का लिख दिया, समझ नहीं आया कितने एल्युमिनियम सल्फेट में कितने एल्युमिनियम है सर। मैं 9th क्लास लिया था यूट्यूब पे, कभी कभार मैं लेता हूँ देख लेना, 8 का 7 का 3 × 10^8/2 किया डिवाइड, कह रहा है कि 2 को 3 से डिवाइड करना है, 10^8 वाले को डिवाइड करना है, हमके भगवान क्या बताएं। तो फिलहाल बताते हैं ऐसा नहीं है, अब भाई पढ़ने आया है, मंथली फीस डिपॉजिट कर रहा है तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है, चलो ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहती बच्चों से कितना वीक रहेंगे, पढ़ना चाहिए, घर पे पढ़ा करो, ठीक है। आगे देखते भैया, इसके आगे एंटोनी यल लेवाजियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री, इन्होंने भैया कुछ लार्ज लायक केमिकल कॉम्बिनेशन के, कैसे कोई चीज जुड़ता है, इसलिए इनको फादर बोला जाता है क्योंकि इनका बहुत बड़ा ग्रेट योगदान है केमिस्ट्री में। तो चलिए देखते हैं हम लोग, एंटोइने यल लेवाइजियर, ये इनको बोला जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री है ये। तो इन्होंने कई चीजों की फाउंडेशन, कई लार्ज ऑफ कॉम्बिनेशन दिए, लार्ज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिए भैया, केमिकल कॉम्बिनेशन के लार्ज दिए,
वैसे 4 ला है, लेकिन हमें 2 पढ़ने हैं क्लास 9th में, तो 2 ला अभी हम लोग पढ़ लेंगे, बाकी ला आपके। हाँ, फर्स्ट सरकारी किताब को फॉलो कर रहे हैं इस समय। ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है भैया, सबसे पहले ला, इसमें सबसे पहला ला है ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है भैया। इधर थोड़ा आराम से देखते चलना है, सुनते चलना है, लिखते भी चलना है अगर पॉसिबल हो तो। सबसे पहले एंटोनियल लेवाजियर है भैया, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है इनको, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे इन्होंने थोड़ा सा फोकस किया भैया, और कई साइंटिस्ट है, प्राउस्ट ने दिया है, रिस्टन ने दिया है, सबके अपने में लॉज है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फिलहाल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना भैया इसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत बच्चों को पता है, जरा बताओ क्या लिखे इसमें। मास नाइदर बी क्रिएटेड, हाँ मास नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से भैया दूसरे फॉर्म में हम इसको चेंज कर सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको कहिए तो मैं जोड़ दूं इसमें, बट कैन बी चेंज्ड, बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर। एक रूप से भैया दूसरे रूप में इसको आप बदल सकते हैं, ना तो क्रिएट कर सकते भैया ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते भैया मास को, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते भैया। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड का मास, ये वाले बात समझ में आई ना आप? एक बार हम इतना रुक रहे हैं क्योंकि आप बीच बीच में लिख भी रहे हैं, तो आप लिखते भी रहिए जल्दी से। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मास ना तो क्रिएट कर सकते भैया ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अंडर। एक फॉर्म से भैया दूसरे फॉर्म में मास को बदलना चाहें आप तो दूसरे रूप में ले सकते हैं। आइंस्टीन ने भैया मास को एनर्जी में बदल दिया था, E बराबर एम सी स्क्वायर, और फिर उन्होंने एक ऐसा जहाज उड़ा दिया जिसमें आदमी छोटा हो जाता है उम्र से। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था भैया, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप लाइट की स्पीड से तेज उड़ेंगे तो आपकी उम्र छोटी हो जाएगी, समय पीछे चला जाएगा। तो मान लो अभी तुम लोग 10 साल, 10 के नहीं हो गए, 12-13 साल के हो, तो फिर उस वाले जहाज बैठ जाओ, कुछ दिन बाद 10 साल को जाओगे, फिर 8 साल को जाओगे, बहुत मजा आएगा। तो उस वाले जहाज प्रतीक्षा करो, तुम ही लोग बनाओगे और कोई नहीं बनाएगा। तो मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बदल सकते हैं रिएक्शन बेटे, शॉर्ट में आरएएक्स मतलब टू टेक, मतलब मेडिसिन लेना, दवाइयां डॉक्टर लिखते हैं, आरएएक्स मतलब रिएक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। कैल्शियम का मास भैया किसी भी याद है? कैल्शियम का मोलर मास बेटा 40, 40, ऑक्सीजन भैया 16, ये हो गया भैया 56 ग्राम है भैया। कार्बन डाइऑक्साइड का, हाँ कार्बन का 12 होता भैया, एक ऑक्सीजन भैया 16, दो ऑक्सीजन का भैया 32, टोटल भैया 44 ग्राम। तो ये 56 और 44 ग्राम कितना हो गया भैया टोटल 100 ग्राम भैया। अब इस तरफ भैया देखिए, कैल्शियम का भैया हुआ 40 ग्राम, कार्बन का 12 हुआ भैया, एक ऑक्सीजन का भैया 16, तीन का 48, टोटल आ गया भैया 100 ग्राम। तो ये हो गया 100 ग्राम इधर भी है, 100 ग्राम भैया इधर भी है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, इससे हमको ये पता चलता है, यानी कि यहां से एक चीज निकल आती है, मास ऑफ रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन। इसको भी नोट कर, चाहे इसको नोट कर लीजिए तब रिएक्शन लिखिए, या रिएक्शन लिखने के बाद इसको लिख लीजिएगा। इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता भैया मास ऑफ प्रोडक्ट के, मास ऑफ रिएक्टेंट भैया मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हुआ करता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको भैया नोट कर लीजिएगा। अभी कई एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद चाहे लिख लीजिए या पहले लिख लीजिए। H2 है और Cl2 है, ये दोनों G है, G मतलब गैस है भैया, HCl बना है यहाँ पे, HCl को भी गैस बना लेते हैं कुछ देर के लिए,
वैसे एक्वस बनता है, लिक्विड बनता है, यह सीएल गैस भी होती है, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना एक बार सब लोग, और फिर इसका मास लो निकाल कर देखेंगे। एक्टिविटी एक दिखी दी है, उसको अच्छे से कर डालना है। लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास क्लियर है सबको? वर्तिका तुम्हारे यहां पढ़ा दिया गया, वेरी गुड। ये भी महर्षि का है लड़का, महर्षि के हो, वेरी गुड। क्या नाम है बेटा? किस बताओ, विश्वम, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, खूब मेहनत करो। ये भी सिंसियर लड़का लग रहा है। अभी तो कुछ बच्चे अच्छे आना शुरू हुए हैं इसमें, जो तुम्हारे 10 में है, 10 में बहुत सिंसियर बच्चे हैं। ऐसे 9 में दो चार को आ जाए फिर देखो मजा आने लगे पढ़ाने में। बस केवल हनुमान चालीसा वालीसा सुना है बीच में, कुछ पूछो तो, कि मिर्ची पूछो तो, जैसे हम भूत हैं भगाने के लिए। वो अच्छा अरे मेरी शक्ल ना पसंद हो ठीक है, मैं नहीं पसंद ठीक है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट से तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसको तो पास होना है ना। चलो ठीक है, आगे देखो इसमें एच टू जी एस सी एल टू जी ए टू एस सी एल है, यहाँ पे टू एस सी एल बने भी है। तो ये देखिए हाइड्रोजन कितना है, एक हाइड्रोजन के 1 ग्राम, दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम हुआ मास इसमें, एक सी एल का 35.5, तो दो का कितना हो जाएगा, मत मारो मुक्का उसको, देखो इधर दो का हो जाएगा भैया 71 ग्राम, और दोनों मिलकर भैया कितना हो गया 73 ग्राम हो गया, और इसका एक एच सी एल का कितना होगा भैया, हाइड्रोजन का एक और सी एल का 35.5, दोनों जोड़ो कितना हो जाएगा 36.5, 36.5 टू जा कितना होगा भैया 73, बराबर दोनों तरफ है भैया, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हर जगह से ये कंफर्मेशन होगा, हर जगह से ही। कई बार अब आपसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक का मास दिया रहेगा भैया, दूसरे का मास दिया रहेगा, बोलेगा ये कितना ग्राम बनेगा बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अभी मैं ऐसे क्वेश्चन एक आठ आइटम देखता हूँ अगर दिया होगा तो। फिलहाल आप इसको भी नोट कर लीजिए, इसके बाद लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भैया सेकंड टाइम ये चैप्टर चल रहा है अभी। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको क्लियर हो गया? लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो देखते हैं किसको समझ में आया, कौन बताएगा। तुम्हारा नाम वर्ती क्या है बताओ, लाभ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? हाँ तुम बैठे रहो फिलहाल, तुम लोग खड़े हो ना, इन लोग बताना। हाँ बताओ। हाँ सही तो है, बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अंदर, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी अगला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट, अच्छा बी था क्या, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से भी है सेकंड। हाँ लिखो अब, तुम्हारा नंबर तुम ही पूछेंगे, ठीक है। इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में भैया, इन ए केमिकल रिएक्शन या इन्हें केमिकल सब्सटेंस, अभी रिएक्शन तक बात नहीं पहुंची है, सब्सटेंस तक रही। इन्हें केमिकल सब्सटेंस
केमिकल्स, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो उससे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं ना वो फिक्स प्रपोर्शन बाई मास होते हैं हमेशा, ये कहने ये लॉ क्या कहता है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जैसे वाटर है तो वाटर में हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, यानी कि 1:8 रेशियो बाई मास रहेंगे। ग्लूकोज है उसके में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास भैया फिक्स होगा, हर चीज में फिक्स प्रपोर्शन बाई मास होता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब जिसका वो बना है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में कोई भी केमिकल सब्सटेंस जिन जिन चीजों का बना है, जिन जिन एलिमेंट का बना है, वो सारे एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन बाई मास होते हैं, मतलब उनका मास का फिक्स रेशियो होता है। किसी भी केमिकल सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में ध्यान सुनना, कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसका बना होगा भैया, कुछ एलिमेंट का बना होगा, सभी एलिमेंट फिक्स प्रपोर्शन बाई मास में रहते हैं उस सब्सटेंस में, ठीक है ना। तो वही हम लोग लिखने चल रहे हैं, इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्स प्रपोर्शन बाई मास या डिफिनिट प्रपोर्शन बाई मास, इन डिफिनिट प्रपोर्शन बाई मास, not depend on sources from where they obtain, ये इस बात पे depend नहीं करता भैया कि कहां से पाए जा रहे हैं, इस बात पे depend नहीं करते हैं कि कहां से ये पाए जा रहे हैं, लेकिन इनका जो कोई भी substance है, chemical substance है, उसमें जो element होते हैं वो हमेशा fixed proportion by mass में होते हैं, वो source पर depend नहीं होते भैया। फॉर एग्जाम्पल जैसे उदाहरण के लिए देखिए, आप वाटर है, ये वाटर है, वाटर में क्या भैया हाइड्रोजन का मास कितना, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 है मोलर मास, तो ये या इसको कैसे लिख सकते हैं 1:8 लिख सकते हैं। ये इस बात पे नहीं डिपेंड करता भैया कि ये टैप वाटर से पाया हुआ पानी है या सीवेज वाटर से पाया हुआ पानी है या गंगा जल है, हाँ या गंगा जल है, ठीक है, इन सब चीजों से ये डिपेंड नहीं करता है, या रेन वाटर है, कहां का पानी है इस पर डिपेंड नहीं करता। अगर वाटर है भैया तो इसमें हमेशा 1:8 बाई मास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो रहेगा। इसी तरह से अगर अमोनिया है तो अमोनिया में नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का क्या भैया 3 है, ठीक है ना, वो सीरियल की तरह तीन बार बोलते हैं क्या, ठीक है, जैसे ये अमोनिया है तो इसमें 14:3 है भैया, ये जो है इस पर डिपेंड नहीं करता कि अमोनिया टॉयलेट में पाई जाने वाली गैस है या फिर यूरिन में पाई जाने वाली गैस है या कहां भी पाई जाती है, कहीं भी पाई जाए तो अमोनिया गैस नॉर्मली कहीं से भी बनाई जा रही है, हैबर प्रोसेस है, इस पर डिपेंड नहीं करता, सोर्स पर डिपेंड नहीं करता भैया। अमोनिया है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 14:3 रहेगा। ये लॉज ऑफ केमिकल प्रपोर्शन है, ये लॉज ऑफ केमिकल प्रपोर्शन है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के दो लॉ हुए आपके जस्ट सामने। तो इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में भैया एलिमेंट हमेशा कैसे होते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं, कैसे होते हैं, डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं भैया, मास के डिफिनिट प्रोपोर्शन में होते हैं। कहां पे होते हैं, केमिकल सब्सटेंस में, कोई भी केमिकल सब्सटेंस है उसमें एलिमेंट हमेशा डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास में होते हैं। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन, ये उन सोर्सेज पे डिपेंड नहीं करता भैया कहां से हम लोग इस चीज को पा रहे हैं। जैसे वाटर है, टैप वाटर, सीवेज वाटर, गंगा जल, रेन वाटर, कहीं से पाइए 1:8 बाई मास रहेगा, और ये क्या है अमोनिया क्या है 14:3 रहेगा। ऐसे कोई भी सब्सटेंस है हमेशा उसका फिक्स प्रपोर्शन बाई मास रहेगा। तो जब रहेगा तो फिर आप भी लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस पे बात करें, इसके बाद डाल्टन पे आए। इससे पहले इसको पढ़ाने के बाद आपसे जितना शुरू से पढ़ाएं पूरा पहले एक बार पूछ लें, तब इसके बाद आगे चलें। हमको बहुत नहीं पढ़ानी, एक ही हेडिंग पढ़ाओ, एक ही हेडिंग सब बता लें, तब इससे ये फायदा होगा कम से कम आने के बाद जो है कोई महाभारत और हमारे चौपाई नहीं सुनाएंगे, कम से कम यही बात सुनाएंगे, इसलिए इसको याद कराना है, इस क्लास में जरूरी हो जाएगा। आपके सीनियर्स थोड़ा एडवांस है तो आगे पढ़ के आते हैं, उनको पता है कि या नहीं पढ़ेंगे 20 बार वही चीज पढ़ाएंगे, तो इससे बढ़िया पढ़ के आते हैं, एक बार मैं बोलता हूँ दो बार दूसरी बार वो सब सुनाने लगते हैं। एक बार नोट कर लो भैया सब लोग, ए विश्वम देखो उधर कुछ सकल वकल हमारी जा रही है, वेरी गुड। अच्छा यहां से कट रहे हैं, यानी कितने में आके
अरे यार पूछना चले, अच्छा ठीक है, हो गया ना भैया इतना। अब एक क्वेश्चन के बाद हम पूछते हैं फिर, आज जितना पढ़ा है कुल पूछना है, पगुधा कात्यायन से लेकर के यहां तक सब तुम लोग बता डालो, ऐसे पूरी एनसीईआरटी तैयार हो जाए। ऐसे अब डाल्टन में पहुंचे या कहो डाल्टन तक आ जाए तब पूछें फिर अभी। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड रेशियो ऑफ, कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ, ये कट तो नहीं रहा यार थोड़ा थोड़ा, कैसे इधर वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ, ये मैं कह रहा था कटे ना, रेशियो ऑफ 1/8 बाई मास, व्हाट मास ऑफ एनसीईआरटी क्या है भैया, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन, हाँ गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। एक बार इसको सब लोग लिख लीजिए, किताब का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एकदम डायरेक्ट दिख रहा आंसर, नहीं लिख लो सब लोग पहले। हाँ व्हाट इज एन एटम से पहले वही किनारे वाला क्वेश्चन है। वर्ट क्या लिखो जल्दी से, तू ही आंसर बताओगी इस बार। हाँ तो तुम्हारा बगल वाला बच्चा बताएगा। तुम्हारा क्या नाम बेटे? शिवानी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और तुम्हारे पीछे वाले बच्चे क्या नाम है, क्या नाम है? अच्छा अच्छा वेरी गुड। देखो इसको आ गया चश्मे के नीचे से मुस्कुरा रहा है पीछे से। आंसर आ गया ना, मुझे पता है, इसलिए जिसको नहीं आ सकता उससे पूछने की कोशिश करते हैं। बता लोगे ना भाई स्वयं कितना सरल है, देख के ही आंसर आ रहा होगा, नहीं आया क्या? एक बार सवाल पढ़ो ध्यान से फिर आ जाएगा। महा आसान इजिएस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन भैया 1:8 में है, यानी कि 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन 2 ग्राम सॉरी 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:8 में है, एक हाइड्रोजन दो मतलब 1:8 में है, ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो एक इससे 8 ग्राम से रिएक्शन करता है, तो 3 कितने से करेगा? सिंपल सी बात है, 3 गुना हो जाएगा वो, एक जो है ये 8 से रिएक्शन करता है तो 3 कितने से करेगा? 24 से, 24 ग्राम आ जाएगा आंसर सीधे सीधे, है कि नहीं? 1:8 रेशियो इसीलिए दिया गया है, एक हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? 24 आंसर है, ऐसे निकलेगा सिंपल सिंपल। उन लोगों के समय में बहुत ज्यादा एलजेब्रा वगैरह नहीं थी ना, तो सीधे सीधे सवाल लगाते थे। एक बार बस ऐसे अपने से कर लो जल्दी से, इसके बाद चलो बताओ शुरू से एक बार, फिर डाल्टन पे आ जाएं। कौन कौन कुल बता लेगा आज जितना पढ़ा है? एक बच्चा नहीं बता पाओगी आज जितना पढ़ा है, ठीक महर्षि से लेके महर्षि कनाथ से लेके सब बता लोगे ना, तब नहीं पूछते हैं, तब आगे पढ़ाते हैं। हाँ जब बताए बच्चों को याद हो गया, मुझे पता है आप तुम लोग सेंशनली पढ़ रहे हो, याद हो गया होगा। महर्षि कनाथ ने क्या बताया भैया कि मैटर को डिवाइड करते जाएं, उसको ना बड़ा जल्दी परमाणु पहुंच गए तुम लोग। एक एक पूछते हैं चलो,
पार्थ बगलवा, क्या नाम है इस लड़के का? हिमांशु भाई, हिमांशु। तो बताओ महर्षि कराने के, बैठ के बताओ महर्षि कराने क्या बताओ, बैठ बताओ। अच्छा नहीं नहीं उसका टावर पकड़ता होगा खड़े होने पे तो इसलिए। अच्छा सर कोई बात नहीं, हिमांशु जी बताओ। अच्छा सॉरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल के रूप में जाता है, व्हिच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। वेरी गुड। नहीं नहीं हम कहा बताया, तुम बता रहे थे इसलिए बताया। वो पकुधा कात्यायन क्या बताए? अरे एक नजर मारो कॉपी में जल्दी से। हाँ बताओ फिर, अब क्या बताए ऊपर देख के? अब तुम हिमांशु नहीं हो, देख जल्दी से बताओ। खुलन देख, एक बार तुम देख लो लेकिन बिना देखे बताना है। फिर एक बार कॉपी में देख लो लेकिन बिना देखे फिर बताना है। उन्होंने यही बताया था, ये सब कंबाइंड होते हैं ना भैया, वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं। बस ऐसे हिंदी में बता दिएगा, उन्होंने बताया कि ये जो एटम्स है ना कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होकर के कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है भैया, और वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर बनाते हैं। पगुदा कहते हैं मैं इसको थोड़ी परीक्षा में पूछेंगी, ये तो बस ऐसे पढ़ाते हुए पूछ ली एक आध बार तो हो गया। ठीक है बताओ पगुदा कहते हैं हमें क्या बताया मैटर के बारे में? एक बार पढ़ लो बढ़िया से तब ऊपर देख बताना है। चलो अच्छा तुमने बताओ, ये विश्व हमसे पूछ रहे हैं, विश्व बताओ क्या बताया पगुदा कहते हैं? हाँ बरियस फॉर्म ऑफ मैटर, राइट टू फॉर्म बरियस फॉर्म ऑफ मैटर, ये लिखे हो ना लास्ट लाइन देखो। ठीक पगुदा कात्यायन को जरूर याद रखना है, समझ लो नहीं याद हो रहे दुश्मन है तुम्हारे, याद रखो उसको। ठीक है और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा भैया? हाँ वो डेमोक्राइटस और लियोहिप्पस, लियोपस है हिप्पस बोलते हैं, लियोहिप्पस हिप्पस घोड़ा होता है ना, तो इसलिए हम वर्ड वाइज जोड़ दिए। डेमोक्राइटस और लियोहिप्पस ने क्या बोला भैया? हाँ मैटर कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, यही बोला था ना आगे जाकर के, जिसको एटम बोला भैया। डेमोक्रेटस ने क्या वर्ड दिया? एटम सबसे पहले वर्ड दिया। इसके बाद कौन आ जाते हैं फिर? एंटोनी या लेवाजियन आ जाते भैया, उन्होंने कॉम्बिनेशन लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर दिया ना। ठीक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है बताओ पार्थ? वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बहुत अच्छे। ठीक है अब तुम बताओ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है? बताओ बताओ केमिकल सब्सटेंस भैया, वो जो एलिमेंट होते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास होते हैं, इस पर नहीं डिपेंड करते हैं कि किस सोर्स से ऑब्टेन हो रहे हैं। सीधे सीधे देसी हिंदी में सुनो पहले इसको, फिर इसके बाद अंग्रेजी में कन्वर्ट करो उसको। केमिकल सब्सटेंस में कोई भी केमिकल सब्सटेंस है, देखो भैया केमिकल सब्सटेंस है तो किसी एलिमेंट का बना है, जिन एलिमेंट्स का बना है वो एलिमेंट उस केमिकल सब्सटेंस में फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास या डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में रहेंगे, इस बात पर नहीं डिपेंड करेंगे किस सोर्स से हम उसको ऑब्टेन कर रहे हैं। तो यही मैंने लिखा भी तो है यहाँ पे ना, इन केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, यहां तक एनसीईआरटी का था, यहां तक नॉट डिपेंड ऑन सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन, ये इस पर नहीं डिपेंड करते भैया सोर्स पे कहां से हम पा रहे हैं उसको। ये सब्सटेंस है केमिकल सब्सटेंस है भैया, तो यहां फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास रहेगा चाहे जिस सोर्स से आप आइए, इस पर नहीं डिपेंड है। अगर ये है सब्सटेंस तो ये रहेगा, ऐसे ये वाले में ये फिक्स रहेगा, जैसे आपने एक क्वेश्चन में शुरुआत किया। ये सही है, समझ में आया ना? ये वाला ला कोई दो बच्चे बता दे बस। हाँ ये स्नेहा बताओ तुम, ये वाला ला। वेरी गुड वेरी गुड, नॉट डिपेंड ऑन सोर्सेज फ्रॉम वेयर दे ऑब्टेन, कहां से आप आ रहे हो बता लोगे? बताओ बहुत जल्दी जल्दी बताती है। आप मान लो इसको छोला भटूरा खाने मिल जाए, हवारी में ज्यादा खा जाएगी, गले में फंस जाएगा। ठीक है खाया करो, रवि इतनी छोटी हो गई हो, खाओगे खूब मजबूत बनोगे, पहलवान बनोगे। देखो वर्ती के बगल में देखो, कम से कम सीखो कुछ, खाते पीते घर के बच्चे हमेशा डाइटिंग सही नहीं जाती। यहां सारा है, चलिए अच्छा और देखते हैं हम लोग। अब आइए भैया डाल्टन के ऊपर, क्या मस्त आदमी थे डाल्टन। आज बच्चे नहीं है, नहीं तो ज्यादा आए नहीं है, लोग कंफ्यूज हुए। अब फिर लोगों को सोना था, 10 बजे तक सोना,
अब उठे होंगे, अब अपना मतलब उतरी होगी जात की। मेरा कहने का मतलब ये है खुमारी खुमारी उतरी होगी भैया। और दूसरी बात ये है आजकल के बच्चे बड़े भयानक है भैया, रात को 1-2 बजे तक मोबाइल चलाते हैं। पड़ोसी उठा अभी जब मैं इधर आ रहा हूँ, और इधर का रात आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है सर। मेरा नेटवर्क वाईफाई पा गए क्या तुम? हम क्या अभी घर जाकर बदलेंगे तुरंत पासवर्ड। वो शौक उठा था उसको याद नहीं आया, गलती से बोल दिया आपका नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है सर, 100 Mbps बहुत नॉर्मली स्पीड कम नहीं होती, सब मुझे बताया। हमके तो अरे सर आज गेम खेली ठीक है, तो आप समझाया कि पासवर्ड जल्दी बता, हम अपने बेटे को बता रखे हैं वही सबको बताता है, कोई आया उसको एक टाफी दिया और अंकल या पासवर्ड पासवर्ड लिखो लिखो पासवर्ड ठीक है। जॉन डाल्टन, हाँ नहीं घर नजदीक होता बता देते, जॉन डाल्टन नहीं वहां नहीं रहता, हमारे घर के ऊपर तो हमारी छत है। ये जो है थोड़ा सा मतलब चित्र कम अच्छा बना, वैसे बहुत महान आदमी रहे हैं जॉन डाल्टन जो है भैया। नहीं नहीं ये स्मार्ट हैं, इनका किताब में देखेंगे भैया तो स्मार्ट आदमी लगते हैं और चश्मा वश्मा लगाते हैं और टकले भी पूरी तरह नहीं थे। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग जॉन डाल्टन के बारे में। एक पुअर बीवर फैमिली में पैदा हुए थे 1766 में, देखिए कितने गजब का आदमी थे। 12 साल की उम्र में टीचर हो जाते हैं, 12 साल की उम्र में जब हम लोग प्राइमरी में बैग लेकर के क्लास वन में नहीं क्लास वन नहीं क्लास फाइव में जाते हैं, क्लास फाइव में जाते हैं जिस समय हम लोग क्लास फाइव में जाते हैं उस समय एक टीचर हो गए थे। अपने यहाँ क्लास फाइव का बच्चा क्लास में जाता इधर आ और किस क्लास का है इधर नजर आया तो देख लेंगे तुमको नौ वाले, यह क्लास फाइव का बच्चा पढ़ाता है ठीक है। ही बिगिन हिज करियर एज ए टीचर एट द स्कूल एज ऑफ 12 की एज में भैया वो स्कूल में टीचर हो जाते हैं। फिर देखो अभी मजे की बात क्या, 7 ईयर लेटर यानी कि कितने ईयर हो जाएगी फिर 19 साल। जब तुम लोग कहीं कहीं घूमते हो किसी पीछे जा रहे हो इधर उधर जा रहे हो बाइक चलाते हो उस समय ये प्रिंसिपल हो जाते हैं ठीक है। और फिर इसके बाद उन्होंने भैया कुछ और 19 साल की उम्र में प्रिंसिपल हो जाते हैं स्कूल के ठीक। हाँ इसके बाद वो मैथमेटिक्स पढ़ाने मैनचेस्टर चले गए, फिजिक्स और केमिस्ट्री एक कॉलेज में पढ़ाने लगे 19 साल की उम्र में। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग रिसर्चिंग 1808 में भैया ये अपनी प्रेजेंट की एटॉमिक थ्योरी, और उस एटॉमिक थ्योरी में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अगला है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटीन जीरो एट में देते हैं ये, इसमें 6 पॉइंट हैं। इसमें कुल 6 पॉइंट है ठीक, 6 पॉइंट हमें भी आपको याद करवा दे रहे हैं तुरंत ही तुरंत, और सभी से पूछ रहे हैं कि बच्चे से क्या बेटे वेरी गुड वेरी गुड। तो चलो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, सभी मैटर जितने भी मैटर होते हैं, चलो बताओ मैटर क्या होते हैं। आई थिंक दैट स्पाई दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास ठीक ना। अब देखो बहुत बता रही है ऐसे पूछो ना बताएगी। मैटर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, मैटर किसका बना होता भैया ये टाइनी पार्टिकल से बना होता है। टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोलते भैया एटम्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया एटम्स। और एटम्स क्या होते हैं किसमें हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, टेक पार्ट इन रिएक्शन इन केमिकल। अभी लिखना नहीं अभी तो ये से बता रहे हैं इसका समरी अभी लिखवाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं भैया पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये भैया कि एटम्स जो होते हैं जैसा कि नाम से ही आपने देखा था एटम्स कैसे होते हैं इंडिविजिबल होते भैया, कैसे होते हैं इंडिविजिबल, और ये नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इनको न तो क्रिएट कर सकते भैया न तो डिस्ट्रॉय कर सकते भैया ठीक है। 2 पॉइंट इन्होंने ये बोला था, इसके अलावा इन्होंने ये बताया भैया कि एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, थर्ड पॉइंट ये बताया एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, गिवन एलिमेंट का कोई भी एटम रहेगा भैया वो क्या रहेगा आइडेंटिकल होगा भैया, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल होगा किसमें मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। और अगला क्या बताया भैया इन्होंने एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का एटम जो होता है
वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। किसमें डिफरेंट होता भैया? मास में और किसमें? केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बताया भैया कि एटम्स कंबाइंड होते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। एटम्स भैया कैसे कंबाइंड होते हैं? एटम्स कंबाइंड होते हैं रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर में कंबाइंड करते भैया। इसके अलावा एटम्स किसी भी कंपाउंड में भैया रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम कॉन्स्टेंट होते हैं। किसी भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम ये क्या होते हैं भैया? कांस्टेंट होते हैं इन ए कंपाउंड एक कंपाउंड में। तो चलिए इसको एक बार फिर सुनिए, इसके बाद आप लिख लीजिएगा। आपकी किताब में भी यही 6 पॉइंट है, इसलिए अगर आप अभी नहीं लिखेंगे तो बाद में लिख सकते हैं, लेकिन अभी इसको आपको तैयार हो जाए, याद हो जाए इतना कि आप अपने से लिखिए, अभी तुरंत अपने से लिखिए, इतना तैयार करवा देते हैं इसको। सबसे पहली बात है, मैटर से पूरी बात शुरू हुई थी, पहले मैटर होता ही है तभी कोई बात शुरू होती है, ठीक है राजगा? तो वहां महर्षि से लेकर के यहां तक मैटर से ही सारी बात शुरू होनी है। मैटर जो होता है भैया, मैटर एनी मैटर, कोई भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। कोई भी मैटर है वो किसका बना होता है भैया? छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, जिनको बोलते हैं एटम भैया। एटम हमेशा केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। मैटर किसका बना होता है भैया? मैटर टाइनी पार्टिकल्स बना है, टाइनी पार्टिकल एटम बोलते हैं। एटम किसमें हिस्सा लेते हैं भैया? केमिकल रिएक्शन में। अब एटम वर्ड आ गया है। अब एटम वर्ड से जुड़े हुए कौन कौन से और वर्ड आते हैं, चलो देखते हैं। एटम जो होता है, पहली बात, एटम जुड़ा हुआ पहला शब्द इंडिविजुअल, मतलब वो डिवाइड नहीं किया सकता है, ये हमको पहले ही बता देते हैं पौधक आतेम के गुरु जी महर्षि कर्णाड, पहले ही बता देते हैं एटम नॉन डिविजिबल होता है। तो एटम कैसे होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं, और ना तो इनको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर एटम आप एक गिवन एलिमेंट, किसी एक एलिमेंट का भैया एटम, जैसे मान लीजिए एक मोलिक्यूल है फास्फोरस है, इसके चार एटम है फास्फोरस के, चारों कैसे होंगे? चारों फास्फोरस का मास हमेशा कितना होगा? 31 ग्राम होगा मोलर मास, चारों फास्फोरस का 31 ग्राम है, हर एक का अपना अपना 31 ग्राम, मतलब चारों का मास सेम है, और चारों की प्रॉपर्टी भैया आइडेंटिकल है। व्हाइट फास्फोरस है, हाथ में लेंगे जलेगा, सबकी प्रॉपर्टी आइडेंटिकल है, मतलब कि एटम आप गिवन एलिमेंट, किसी दिए हुए एलिमेंट के, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में दो एटम है, दोनों के मास हमेशा 16 रहेगा, दोनों सपोर्टर आप बर्निंग होंगे, मतलब दोनों बर्निंग को सपोर्ट करेंगे भैया। तो एटम्स आप एक गिवन एलिमेंट, किसी दिए हुए एलिमेंट के एटम जो होते हैं भैया वो आइडेंटिकल होते हैं, किसमें आइडेंटिकल होते हैं भैया? मास और केमिकल प्रॉपर्टी में। किसी दिए हुए एलिमेंट के एटम कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। किन चीजों में आइडेंटिकल होते हैं? मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में कैसे होते हैं भैया? आइडेंटिकल होते हैं। अब वही अगर डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट होंगे, किसमें डिफरेंट होंगे? मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। ये चार पॉइंट बहुत जल्दी आपको तैयार हो गए होंगे ऐसे देख करके, ठीक है। अच्छा आगे देखो, एटम हमेशा कंबाइन करते हैं कैसे? स्मॉल होल नंबर रेशियो में, SWN, स्मॉल होल नंबर रेशियो में हमेशा कंबाइन करते भैया। एटम कैसे कंबाइन करते हैं हमेशा? स्मॉल होल नंबर रेशियो में भैया कंबाइन करते हैं, स्मॉल होल नंबर रेशियो में हमेशा कंबाइन करते हैं। जैसे H2O ही देख लो, यहाँ पे 2:1 में रहेंगे, रेशियो एटम का रेशियो है, मास का रेशियो नहीं है, मास का रेशियो 1:8 है। स्मॉल होल नंबर रेशियो हमेशा कंबाइन करते हैं। ग्लूकोज में अगर आप देखोगे भैया तो हमेशा ये कैसे 1:1 रहता है रेशियो, हमेशा स्मॉल होल नंबर रेशियो रहता है। तो स्मॉल होल नंबर रेशियो हमेशा कंबाइन करते हैं। और किसी भी कंपाउंड में, जैसे ये कंपाउंड है ना भैया, इसमें नंबर ग्लूकोज अगर है तो उसमें 6 कार्बन हमेशा रहेंगे, 6 ऑक्सीजन हमेशा रहेंगे, 12 हाइड्रोजन हमेशा रहेंगे। तो उनका रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम, मतलब किस टाइप के एटम है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है भैया किसी कंपाउंड में, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बहुत इजी है, इसको 10-20 बार अभी देख लो, क्लियर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। पहला क्लियर हो गया, मैटर किसका बना होता है? टाइनी पार्टिकल्स का। मैटर टाइनी पार्टिकल्स बना है, टाइनी पार्टिकल्स क्या बोला जाता है भैया? एटम्स बोला जाता है। एटम केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब एटम से जुड़ी हुई सारी बातें, एटम से जुड़ी हुई 4-5 बातें हमको करनी है। सबसे पहली बात यह है कि एटम इंडिविजिबल होते हैं। एटम कैसे होते हैं? इंडिविजिबल। सबसे पहली बात, एटम से जुड़ा हुआ हमको करना है इंडिविजिबल, ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, एटम्स आप गिवन एलिमेंट कैसे होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, किसमें? मास और केमिकल प्रॉपर्टी में। डिफरेंट एलिमेंट का कैसे होता है भैया? डिफरेंट होते हैं, मास और केमिकल प्रॉपर्टीज में। एटम कैसे कंबाइन करते भैया? स्मॉल होल नंबर रेशियो में। एटम कैसे कंबाइन करते भैया? स्मॉल होल नंबर रेशियो में। और एटम किसी भी कंपाउंड में रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम हमेशा कांस्टेंट होता है। रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम हमेशा कैसे होते भैया? कांस्टेंट होते हैं। किसमें कांस्टेंट होते हैं? किसी कंपाउंड में। चलो यहां तक सही है, कौन बिना देखे कुछ बताने कोशिश कर सकता है? बता लोगे? एक बच्चा, इसका क्या नाम है? ये बड़े बच्चे का क्या नाम है इसका? भूमि। अच्छा भूमि, हाँ भूमि बताओ।
मिटाना चाहिए। अरे मैटर से शुरू करो बात, तुम भी मैटर से ही सारी बातें शुरू होती है। यहाँ इसका ध्यान यहाँ नहीं है, मम्मी बना रही है पकौड़े, बस वही पूरा ध्यान रहेगा। अब सोचो ये पकौड़े घर बनी रहे, जलेबिया लेके चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ये नहीं कि पढ़े, अब डाल्टन पढ़ा के चले गए। ठीक है बताओ जल्दी से, मैटर किसका बना है? टाइनी पार्टिकल। टाइनी पार्टिकल क्या बोलते हो, किसमें हिस्सा लेते हैं? वेरी गुड। एटम्स कैसे होते हैं? क्रिएट कर सकते हैं? नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आइडेंटिकल होते हैं किसमें? और डिफरेंट एलिमेंट के में डिफरेंट होते हैं, मास ऑफ केमिकल प्रॉब्लम डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का एटम्स हमेशा कैसे कंबाइन करते हैं? हाँ यस, डब्ल्यू एन में। हाँ अब वो बच्चे समझ जाएंगे, इतने समझदार रहेगा भी, समझी हुई चीज नहीं समझ आया, समझाएंगे ऊपर सब। एटम हमेशा कंबाइन होते हैं, एस डब्ल्यू एन के रेशियो ना, स्मॉल होल नंबर रेशियो में टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए कैसे कंबाइन होते हैं? एस डब्ल्यू एन में। ठीक, कैसे? एस डब्ल्यू एन, एस डब्ल्यू एन मीन्स स्मॉल होल नंबर रेशियो में। एटम कैसे कंबाइन करते हैं? एस डब्ल्यू एन में। ठीक है, और इसके अलावा रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। ठीक है, हाँ तो इसको हमको बताए, अभी हमें एक जगह पढ़ाया था वहां बच्चा ये वाला नहीं याद कर पाया, उसको हम क्या रिंकिया याद रखो बस, रिंकिया। हाँ देखो, आर से क्या हुआ? रिलेटिव। यन से क्या हुआ? नंबर। के आई से हुआ काइंड, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। ठीक है, कांस्टेंट होते हैं किसी कंपाउंड में। ठीक है, ऐसे याद कर लिया वो। ठीक है, तो ऐसे बहुत चीजें भैया याद करनी रहती है, क्या बताएं। चलो अच्छा छोड़ो वो सब, किसको किसको अब याद हुआ? कोई दो बंदे भी, एक अकेले बच्चे, दो बच्चे। ठीक है, तुम ही याद हो गया विश्वम, तुम विश्वम नहीं विश्वामित्र हो, ये नहीं कि याद कर ये तो ऐसे हो गया एक बार, चार अभी नहीं बता गया, तुम वो सीख लोगे। ठीक है, रिटू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। भैया जैसे संख्या है ना, रिटू नंबर मतलब कितनी संख्या में, छह है, बारह है, छह है, एक किसी गिवन कंपाउंड फिक्स होता है, इसमें देखो दो है एक है, फिक्स रहेगा। ठीक, रेटू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम मतलब काइंड मतलब टाइप ऑफ एटम। अब वाटर है तो इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हमेशा रहेगा, ये किसी कंपाउंड में भैया कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, अब बता लोगे रेटू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम। आर एन के मतलब रेटू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ठीक है, रिंकिया याद रखो, राका याद रखो, आर एन के। ठीक है, रेटू नंबर एंड काइंड ऑफ एटम कांस्टेंट इन ए कंपाउंड। चलो आप शुरुआत करते हैं, अब बता लोगे ना विश्वम, ऊपर सब सही है? ठीक है, देखो मार्च के एक बच्चा और तेज होने जा रहा है, उसको डाल्टन का पूरा ला आएगा। ठीक है, बताओगे अब? हाँ, मैटर टाइनी पार्टिकल्स बना, जिसको क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। एटम्स केमिकल रिएक्शन में, चलो दूसरा बताओ, एटम कैसा होता है? वेरी गुड। थर्ड, एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, वेरी गुड। मास ऑफ केमिकल, डिफरेंट एलिमेंट का भैया हमेशा कंबाइन कैसे करते हैं? एस डब्ल्यू एन में, टू फॉर्म कंपाउंड, टू फॉर्म कंपाउंड। अच्छा ठीक है, और रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम भैया कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन कंपाउंड में। ठीक है ना, इस चैप्टर से जितना नंबर आएगा पूरा बटोर के ले जाओगे, मुझे पता है, मैं इसी तरह से इसको पढ़ाऊंगा आगे भी। जो है अभी बहुत चीजें हैं इसमें, तो ए भाई देखो जरा टाइम क्या हो रहा है। ठीक ठीक, 11:05 हुए हैं। अरे भाई तुम, हाँ चलो तो फिर अभी इसको